हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं मोबाइल लवर टेक। दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक बंदा है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया हुआ था कि भाई कोई एक ऐसा तरीका बताओ कि व्हाट्सएप पर हम लोग अपना फोटो या वीडियो बिल्कुल HD क्वालिटी में किसी को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि अगर आप लोग किसी को अगर अच्छा फोटो अपना भेजते हैं, उसका साइज अगर 5 MB का है ना, तो आप लोग किसी को भेजेंगे तो उसका साइज उसके पास पहुंचता है KB में, जिससे आप लोगों के फोटो के पिक्सल्स फट जाते हैं और उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यही केस सेम टू सेम वीडियो के भी साथ होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल ओरिजिनल साइज में अपना किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो को आप लोग किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। आप लोगों के व्हाट्सएप में तरीका मौजूद है, बस आप लोगों को जो मैं बताता हूँ उसे आप लोग सेम टू सेम फॉलो करते रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को टेक्नोलॉजी से या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है MrFaizu0713। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप लोग मुझे वहां पर डीएम करिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, व्हाट्सएप पर किसी भी फोटो या वीडियो को उसकी असली क्वालिटी में, मतलब HD क्वालिटी में भेजना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करिएगा, उसके बाद ही आप लोग नीचे जाके कमेंट करिएगा। आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते, उससे पहले ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो फुल वॉच करना, उसके बाद आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा तब आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी गैलरी में ले चलता हूँ, वहाँ पर जाके आप लोगों को कुछ फोटोज़ मैं दिखा दूँ। ये देखिए, मेरे दूसरे स्मार्टफोन के खींचे हुए फोटो है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इन फोटोज़ का साइज़ दिखा दूँ, तो मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। तो आप लोग देख लीजिए, इस फोटो का साइज कुल 2.34 MB का है, मतलब 2.5 MB के आसपास ये फोटो है। इसी तरीके मैं दूसरे फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे ये फोटो है, तो मैं इस पर भी 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद डिटेल्स पे जाता हूँ, तो ये देख लीजिए 3 MB का ये फोटो है। इसी तरीके मेरा ये लास्ट वाला फोटो भी आप लोग देख लीजिए, इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल दिखा दूँ, तो ये 4 MB का फोटो है। तो 2 से लेके 4 तक के ये सारे फोटो है 1 MB में। तो मैं आप लोगों को इन्हें बिल्कुल इनकी ओरिजिनल साइज और ओरिजिनल क्वालिटी में भेजना सिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग वीडियो पूरा फुल बिल्कुल डिटेल के साथ वॉच करिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, किसी को अगर HD फोटो भेजना है, अपना बिल्कुल ओरिजिनल फोटो भेजना है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस बार में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को जो ऑल पिन दिख रही है ना, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों के तुरंत के फोटो होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो देख लीजिए, मेरे 5ों फोटो है, मैंने सेलेक्ट कर लेके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो इन लोगों का आप साइज देख लीजिए, एक 3 MB का, एक 2 MB का, एक 3 MB का, एक 1 MB का, एक 4 MB का, टोटल मेरे 5 फोटो थे। इन 5ों सेलेक्ट होने के बाद मैं ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो देख लीजिए, अभी मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट है, इसलिए अभी फिनिश नहीं हो पाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 MB का, 3 MB का, 2 MB का, 4 MB का और 3 MB का फोटो लगना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़, अब देख लीजिए आप लोग, मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया और ये फोटो जाना शुरू हो गया। अब देखिए, थोड़े बहुत फोटो जा रहे हैं और मेरा लास्ट सीन भी दिखना शुरू हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को फोटो ओपन करके दिखाता हूँ। तो कोई भी फोटो मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए गैलरी का ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं गैलरी से ओपन करता हूँ, उसके बाद ऑलवेज पे सेलेक्ट कर दूँ ताकि हमेशा गैलरी से ओपन हो। तो आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल फोटो बिल्कुल क्लियर वे के साथ ये फोटो पहुँच चुका है इस नंबर पर। इसी तरीके आप लोग किसी भी वीडियो को भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो सेंड करने के लिए आप लोग फिर से ऑलपिन के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, फिर से डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में आइएगा, फिर यहाँ पर ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर रिसेंट में कोई वीडियो पड़ी होगी तो यहीं ऊपर ही आ जाएगी। अगर आप लोगों की रिसेंट में कोई भी वीडियो नहीं पड़ी है ना, तो आप लोग जो ये 3 लाइंस दिख रही है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों का जो वीडियोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जितने भी फोल्डर में वीडियो होंगे वो सारे सामने आ जाएंगी। तो देखिए, मेरी स्नैपट्यूब्स की कुछ वीडियोस पड़ी हैं, तो इसमें मेरी वीडियो एक डाउनलोडेड है। तो अगर आप लोग इसे HD क्वालिटी में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को इसे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो देखिए, 16 MB की मेरी पूरी वीडियो जाना शुरू हो गई, मैं इसे कट किए दे रहा हूँ। तो देखिए, सारे फोटोज पहुँच चुके हैं। आप लोग जो भी फोटो इसमें ओपन करेंगे, आप लोग का बिल्कुल HD में वो फोटो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग किसी भी फोटो को बिल्कुल HD में या किसी भी वीडियो को बिल्कुल HD में किसी को भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप से।
आई थिंक गाइस आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। तो यार चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को सर्च करने में, उसके बाद उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने में, उसके बाद वीडियो अपलोड करने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।